मैं आपसे कहूं, यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर में अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आप इसे लिखकर दीवार पर लटकाए से देखते जाएं और इसे हजार बार कहे कि किसी वस्तु से मेरी कुछ हानि नहीं होगी, कोई दुष्ट आत्मा मुझे कभी कोई नुकसान नहीं करेगी। यीशु के नाम में मेरे पास में दुष्ट आत्मा के ऊपर सारी सामर्थ है। By His word, let's sing it. By His word, I have no fear in me. By His word, death cannot swallow me. By His word, I have prosperity. By His word, आप नहीं कह सकते कि ऐसे कुछ दुष्ट आत्माएं हैं जिस पर हमें अधिकार नहीं दिया गया। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें सारी सामर्थ दी है, सभी दुष्ट आत्माओं के ऊपर में, सभी दुष्ट आत्माओं के ऊपर में, हर दुष्ट आत्मा पर। इसे सुनिए, उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। उन्हें जाकर क्या करना था? परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना था और फिर बीमारों को चंगाई देना था। ये दो बातें यहाँ पर दिलचस्प रूप में रखी गई हैं, प्रभु राज्य का प्रचार और बीमारों की चंगाई। इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य तो वो है जहां पर राजा यीशु की, परमेश्वर की आत्मा का राज्य होता है। ये परमेश्वर का राज्य है जहां परमेश्वर राज्य और अधिकार करता है। ये प्रभु का राज्य है। किंगडम दो शब्दों से है, मतलब किंग और डोम। किंग यानी जो राज्य करता है और डोम यानी ऐसा शब्द है जहां से हमें डोमिनियन शब्द मिला। राजा का डोमिनियन, या कहिए राजा का डोमेन। तो प्रभु राज्य का प्रचार करो यानी राजा के डोमेन का, राजा के राज्य का, और बीमारों को चंगाई दे, ये दोनों साथ में चलते हैं। यदि परमेश्वर का राज्य वहां पर है तो बीमारी को जाना होगा। प्रभु राज्य का प्रचार करो और बीमारों को चंगाई देते जाओ, ये दो एक साथ रखे गए हैं। कितने लोग जानते हैं चंगाई परमेश्वर की इच्छा है? यीशु ने कहा, जब प्रार्थना करना सिखाई तो उसने ये कहा, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पृथ्वी पर वैसी पूरी हो जैसे कि स्वर्ग में होती है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि स्वर्ग में कोई समस्या नहीं है, उसकी इच्छा पूरी होती है। पृथ्वी पर
यहां पर जितने सिर है उतनी इच्छा पूरी होती है। मैंने एक बार एक आदमी का संदेश सुना और उसके संदेश का शीर्षक था सात कारण क्यों परमेश्वर लोगों को बीमार करता है। मैंने सोचा मेरे प्रभु संदेश के लिए और कोई विषय ही नहीं मिला। उन्होंने यहां पर सात पॉइंट दिए कि परमेश्वर लोगों को क्यों बीमार करता है। अगर परमेश्वर लोगों को बीमार करता है तो मैं आपको बताऊं उसे संसार के बहुत से देशों में आने नहीं दिया जाएगा। यदि किसी देश में इमिग्रेशन के लिए जाना है तो आपसे कहते जाकर पहला पूरा चेकअप करके आइए। वो देखना चाहते हैं एक्सरे और वो ब्लड चेकअप और सब कुछ देखना चाहते हैं, एड्स चेकअप और हर तरह का चेकअप करके वो पूरा प्रोफाइल देखना चाहते हैं, वो जांचते हैं, वो चाहते हैं कि आप अपने साथ बीमारी वहां पर लेकर न जाएं। और यदि वो है जो बीमारी को बढ़ावा देते जाता है तो उसे बहुत से देशों में जाने से इनकार किया जाएगा। हेलो, यीशु का स्वागत नहीं होगा, साथ ही उसे जेल में डाला जाएगा क्योंकि वो कुछ अपराध कर रहा है। लेकिन फिर भी हमारे अंदर ये विचारधारा होती है कि परमेश्वर के बारे में ऐसे कहें कि वो बीमारी देता है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, संसार इस बीमारी में है क्योंकि शैतान इस संसार में राज्य करता है। यही तो सत्य है। बीमारी तो है, इस सच्चाई का इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। मृत्यु का ये अर्थ नहीं कि आप नीचे गिरकर मर जाते हैं। मृत्यु का मतलब हर एक बुरी चीज जिसमें बीमारी और रोग जुड़े हैं। तो ये शैतान का संसार है और इसीलिए ये सारी बातें इसमें आई हैं। ऐसा ही कहिए, क्यों आप हर बात के लिए परमेश्वर पर दोष लगाते हैं? मुझे हर बात के लिए प्रभु पर दोष लगाना पसंद नहीं। जब मैंने सुना, मैंने सोचा कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ लोगों के पास खाना नहीं है। जो ऐसे प्रचार करते हैं उसके बारे में कह रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरह का प्रचार करने से आपको कुछ पैसे मिलेंगे। सात कारण कि परमेश्वर क्यों लोगों को बीमार करता है, मैं आपको बताऊं लोग 70 कारण आपको बताएंगे कि क्यों बीमार होते हैं। यहां इस संसार में सैकड़ों कारण है कि क्यों बीमार होते हैं, शैतान के संसार में, इस वातावरण में। लेकिन परमेश्वर तो बीमारियों को फैलाने वाला नहीं है, वो तो चंगाई दाता है। बाइबल स्पष्ट कहती है परमेश्वर का राज्य, प्रभु के राज्य का प्रचार कीजिए और बीमारों को चंगाई दे। ये दोनों एक साथ चलते हैं, प्रभु राज्य का प्रचार करे और बीमारों को चंगाई दे। जब आप जाकर चंगाई देते हैं तो वो जानता है कि कोई और राज्य आया है। हर एक सामान्य व्यक्ति इस पृथ्वी पर जानता है कि कोई बुरी सामर्थ है, कोई दुष्ट की सामर्थ है, वो मुझे जहां भी मैं मुड़ू वहां पर मुझे पकड़ती है। इस तरफ मुड़ू तो व्यापार में नुकसान है, उस तरफ मुड़ू तो बीमार हो जाता हूं। यदि मैं ये करूं तो कुछ काम नहीं करता है। कुछ न कुछ तो है, अंधकार की शक्ति है जो इस संसार में काम करती है। लोग इसे समझते हैं, सामान्य लोग भी इसे समझते हैं। वो समझते हैं कि देखिए दुष्ट की सामर्थ है जो काम करती है। तो फिर जब चंगाई आती है तो फिर अचानक ही वो जाकर कहते हैं मेरे प्रभु एक और राज्य है, एक और नियम है, एक और सामर्थ है, एक और अधिकार है जो बदल सकता है, जो अभी हो रहा है उसे बदल सकता है। ये कितना अच्छा तरीका है। वो कहता है जाकर प्रभु राज्य का प्रचार करो और बीमारों को चंगाई दो। बीमारों को चंगाई देते समय से उस समाचार प्रचार में समस्या नहीं होगी, इसे स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं होगी। जब उनके साथ में कुछ मजबूत होता है तो कोई समस्या नहीं, फिर वे परमेश्वर के राज्य को समझ सकते हैं। थियोरेटिकली अगर आप प्रभु राज्य के बारे में सिखाएंगे कोई नहीं समझेगा, लेकिन जब वो परमेश्वर के राज्य से कुछ अनुभव करते हैं, जब वो छुटकारा अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, जब वो चंगाई का अनुभव करते हैं, जब वो कुछ ऐसा अनुभव करते हैं, फिर आप कहते हैं परमेश्वर का राज्य, और वो कहते हैं हाँ मैं इसे समझ सकता हूं, मैंने अभी चंगाई पाई है। वो समझते हैं, इसलिए उसने कहा बीमारों को चंगाई दो और प्रभु राज्य का प्रचार करो। अब देखिए अगले वचन को देखिए, वचन 6, और वो चले गए, यानी ये 12 चेले जो हैं यही तो वो हैं, उन्हें सारी दुष्टात्माओं के ऊपर सामर्थ दी और वो चले गए। अब देखिए यहां पर वो एक दूसरे की ओर देखकर सच में बड़े चकित हो गए होंगे। पत्रस यूहन्ना से कहा होगा, क्या तुमने सही सुना है? क्या उसने कहा कि सारी दुष्टात्माओं के ऊपर सामर्थ, सारी दुष्टात्माओं पर, क्योंकि मैं बाहर जाकर दुष्टात्मा के हाथ में नहीं फंसूंगा। जानते हैं सारी दुष्टात्माएं, और यूहन्ना कहता हाँ हमने बिल्कुल सही सुना, जानते हैं हाँ 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 सारी दुष्टात्माएं। और थोमा ने कहा होगा मुझे इस पर विश्वास नहीं है। लेकिन इसे देखिए, और वो गए, आखिर में वो चले गए, उन्होंने कहा ठीक है चलिए इसे देखते हैं, चलो करते हैं। से वे निकल कर गांव गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते फिरते रहे। ठीक है, प्रचार करते रहे और चंगाई देते रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें अधिकार और सामर्थ दिया गया। चलिए वचन 10 पढ़ते हैं। फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया,
उन्होंने नहीं कहा कि हमने कोशिश की और इसने काम नहीं किया? उन्होंने कोशिश की और इसने काम किया। जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया और वो उन्हें अलग करके बैतसैदा नामक नगर में ले गया, अलग करके बैतसैदा नामक नगर को ले गया। ये जानकर भीड़ उसके पीछे होली और वो आनंद से उनसे मिला और परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। देखिए फिर से दोनों है, प्रभु राज्य का प्रचार और चंगाई। प्रभु राज्य का प्रचार किया और उन्हें चंगाई दी। उन्हें प्रभु राज्य का प्रचार किया और उन्हें चंगाई दी, क्योंकि चंगाई तो बहुत ही स्पष्ट ऐसा प्रकटीकरण है कि परमेश्वर का राज्य अब आ चुका है। उसने चंगाई दी। अब इसमें बस यही समस्या है कि बहुत से लोग कहते हैं ठीक है भाई, ठीक है, लेकिन वचन एक कहता है उसने 12 प्रेरितों को बुलाया, 12 चेलों को बुलाया जो कि प्रेरित थे, वो परमेश्वर के प्रेरित थे, यीशु ने से किया और अपने प्रेरितों को करने के लिए कहा। और हम कौन हैं? हम तो केवल पापी हैं। हम तो छोटे बेचारे पापी हैं, जानते हैं, हम प्रेरित नहीं हैं। यीशु ने इसे किया, फिर उसने प्रेरितों को इसे दिया, ये चादर वहां पर प्रेरितों पर आ गई, लेकिन मेरे जैसे गरीब के लिए नहीं। मैं तो केवल एक सामान्य विश्वासी हूं और आप इसके बारे में कह रहे हैं हमें उनके साथ में एक समान रखते हो। वो तो प्रेरित थे, उन्हें शैतान के ऊपर सामर्थ्य दी गई थी, हमें नहीं। ठीक है, चलिए इसके लिए हम देखते हैं अध्याय 10 वचन 1, लूका 10। इन बातों के बाद, किसके बाद? जब 12 को दुष्टात्मा के ऊपर में सामर्थ दी, उसके बाद में जब वो गए और देखा कि ये काम करता है, आकर उन्होंने खबर बताई और ये सब। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। अब वो 70 को जोड़ता है। देखिए वो हर एक को ये देना चाहता है जिसे वो ट्रेन कर सकता है, सिखा सकता है, बता सकता है। वो चाहता है सबको भेज दे, लेकिन उन दिनों में उसके पास 12 थे जो उसके चेले थे और उसने उन्हें सिखाया था, तो वो उन्हें भेजता है। और ये बाहरी घेरा जो लगभग 70 लोगों को वहां पर वो सिखाता है, और वो 70 को बुलाता है और दो दो करके उन्हें भेजता है, और जिस जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। और इसलिए उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेजे। यहां पर वो ये कहता है 70 काफी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग दुख उठा रहे हैं उस शैतान के राज्य में, तो हमें परमेश्वर के राज्य को लेकर बाहर जाना है और प्रचार करना है, प्रभु राज्य का प्रचार करके लोगों को चंगाई देनी है। बहुत से मजदूर चाहिए क्योंकि खेत तो बहुत है, उसने कहा। और फिर देखिए वचन 9, वो उन्हें उन नगरों में भेजता है जहां वो खुद बाद में आने वाला था, ठीक है। और उसने कहा, क्या आप देख रहे हैं यहां पर वचन 9, उसने कहा वहां पर जाओ, और फिर उसने कहा कि बीमारों को चंगाई दो वहां के बीमारों को, और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। वो कहता है तुम इसे करो, मैं वहां पर आऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम इसे कर सकते हो। वहां पर जाओ और उन्हें वहां पर प्रचार करो, और उनसे कहना कि परमेश्वर का राज्य बहुत निकट है। इसका मतलब क्या? जब उसने कहा परमेश्वर का राज्य निकट है, देखिए एक जगह उसने कहा परमेश्वर का राज्य तुम में है। हमारे लिए परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आ चुका है। जब हम जाकर लोगों से कहते हैं परमेश्वर का राज्य बहुत ही निकट है, तो हम ये कहते हैं, यही कहते हैं, ये मुझ में है, मैं जानता हूं इसकी सामर्थ, मैं इसके राज्य को जानता हूं, प्रभु के राज्य में जीना कैसे मैं जानता हूं, ये मेरे अंदर है, और आप इससे बहुत दूर नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए सुसमाचार लेकर आया हूं और परमेश्वर का राज्य आपके निकट आया है, या आपकी पहुंच में ही है, या आपकी पहुंच से बाहर नहीं है। आप भी परमेश्वर के राज्य को अभी इस समय अपने जीवन में पा सकते हैं। आपको शैतान की सामर्थ के नीचे रहना नहीं है, आपको उसके नीचे सहने की जरूरत नहीं, और आपको उसके अधिकार के नीचे रहने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का राज्य आपके निकट है। ये चिन्ह और चमत्कार और ये अद्भुत काम, ये चंगाई, ये तो चिन्ह है कि परमेश्वर का राज्य आपके निकट आया है। ये बहुत निकट है, आमेन, ये बहुत ही निकट है। देखिए कैसे साधन दिए गए हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए। इसलिए मैं नहीं समझ पाता कि कुछ विश्वासी समूह आज चंगाई को पाना क्यों नहीं चाहते हैं, चिन्ह और चमत्कार और चंगाई आज पाना नहीं चाहते हैं। देखिए ये तो केवल उनकी मदद ही करेगा, हां, इससे केवल उनकी मदद होगी, इससे उनकी सहायता होगी। ये कहता है ये एक मदद है, जब लोग किसी बात को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वो जब चंगाई पाते हैं मेरे प्रभु, बाद में वो सब कुछ समझने लगते हैं। देखिए
अगर आप उन्हें प्रचार करें, आप जो चाहे प्रचार कर सकते हैं, लेकिन कई बार जानते हैं जब इस तरह की बातें इसमें जोड़ी जाती है, जीवन बदलने वाली सामर्थ होती है, चंगाई के तरीके से या कुछ और तरीके से मजबूती के साथ उनके साथ काम होता है, तो यह तुरंत उन्हें बताता है कि ऐसा कुछ है जो उनके लिए आया है। आमेन। तो वो कहता है प्रभु राज्य का प्रचार करो, चंगाई दो। तो वो जाते हैं और ऐसा करते हैं। वो कहता है उन्हें बताना कि परमेश्वर का राज्य निकट है। और हम भी यही तो करते हैं, हम जाकर लोगों को बताते हैं, देखिए परमेश्वर का राज्य बहुत ही निकट है, दूर नहीं, आप उसमें आ सकते हैं, बस एक कदम ले आप आ जाएंगे। आप अपना दिल खोले, यीशु आएगा आपके दिल के ऊपर, वो राज्य करेगा। मैंने जो पाया वो आप पा सकते हैं, जो मैं बना हूं आप भी वो हो सकते हैं, आप हो सकते हैं अलग व्यक्ति। देखिए इसकी संभावना बहुत दूर नहीं है, ये आपकी पहुंच से दूर नहीं है, ये वहां पर है, अभी आप इसे कर सकते हैं। यही सुसमाचार का संदेश है। चलिए वचन 17 देखें, अध्याय 10 वचन 17 कहता है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और वे कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। देखिए वो चौंक गए थे, वो बाहर गए और शायद शुरू में उन्होंने सोचा कि ओ वो ये कह रहा है, चलो देखते हैं। वो गए और यीशु के नाम का उपयोग किया और निश्चय ही यहां तक कि शैतान भी भागता है जब आप यीशु का नाम लेते हैं। और उन्होंने आकर बड़ी खुशी से खबर दी। और यहां पर यीशु का प्रत्युत्तर देखिए, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। मैं आपको बताऊं दोस्तों, शैतान वो नहीं है जिसका होने का वो दावा करता है। वो बुरी दशा में है, वो बहुत ऊंचे से गिरा हुआ है, उसके दांत टूट गए हैं, उसके हाथ और पैर टूट गए हैं, वो बहुत ही बुरी दशा में है। शायद आपने जो सुना है ये उससे बिल्कुल अलग है। कुछ लोग कहते हैं देखो वो शैतान बड़ा है, जब शैतान आता है तो जानते हैं वो मार देगा, नाश करेगा। मैं आपसे कहता हूं कि शैतान तो गिरा हुआ है, बहुत ऊपर से गिरा है, उसे चोट लगी है, ये वो नहीं है वो जैसे था, वो हारा हुआ है, वो जयवंत नहीं है, उसका इनकार किया गया है। और फिर उसके बाद में उसने कहा, यीशु ने कहा, देखो मैं तुम्हें देता हूं अधिकार, देता हूं सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार। यहां पर ये असली सांप और बिच्छुओं के बारे में नहीं कह रहा है, ये दुष्टात्मा की ताकतों के बारे में कहता है और उसकी दुष्टात्माओं पर, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। सब लोग कहें यहां पर सारी सामर्थ पर, सारी सामर्थ पर, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। मैंने कितना तो भी सुना है कि शैतान चोट पहुंचाएगा, लेकिन यीशु कहता है मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं, शत्रु की सारी सामर्थ पर, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। मैं कुछ लोगों को ये कहते हुए सुन सकता हूं, तो फिर शैतान क्यों नुकसान कर रहा है? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि वो नुकसान करेगा, क्योंकि आप विश्वास कर रहे हैं कि वो नुकसान पहुंचाएगा, इससे बढ़कर आप उस पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। कुछ लोग तो उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं इस बात से, वो इसे लेकर कहते हैं ठीक है भाई, फिर भी मैं सोचता हूं कि उसमें कुछ न कुछ सत्य है, कुछ दुष्टात्मा जानते हैं। जब तक आप विश्वास करेंगे वो आपका नुकसान कर सकते हैं, वो नुकसान करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि यही विश्वास करें। मैं आपसे कहूं, यीशु ने कहा मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर में अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आप इसे लिखकर दीवार पर लटकाए इसे देखते जाएं और इसे हजार बार कहे कि किसी वस्तु से मेरी कुछ हानि नहीं होगी, कोई दुष्टात्मा मुझे कभी कोई नुकसान नहीं करेगी, यीशु के नाम में मेरे पास में दुष्टात्मा के ऊपर सारी सामर्थ है। बाइबल कभी नहीं कहती कि शैतान का आपके ऊपर में अधिकार है, बाइबल कभी नहीं कहती कि शैतान का आपके ऊपर में अधिकार है, लेकिन बाइबल कहती कि आपका शैतान के ऊपर में अधिकार है। कोई भी आपका ऐसी उल्टी बात न बताए दोस्तों, शैतान के ऊपर आपके पास अधिकार है। आमेन। अब मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28, मत्ती 28। तो यीशु ने राज्य और अधिकार किया, फिर उसने 12 लोगों से कहा, 12 प्रेरितों से, कैसे राज्य अधिकार करें। उन्होंने राज्य अधिकार किया, गए, दुष्टात्माएं निकाली, बीमार चंगे किए, प्रभु राज्य का प्रचार किया, प्रभु के राज्य को लाया, परमेश्वर के राज्य में लोगों को लेकर आए। और फिर 70 को भी यही करने के लिए कहा, उन्हें राज्य और अधिकार करने के लिए सिखाया गया। वो बाहर गए और शैतान की सामर्थ के ऊपर में राज्य अधिकार किया, वो इसमें बहुत ही माहिर हो गए। शैतान तो भागा और उन्होंने कहा कि ओ हम तो बहुत ही आनंदित हुए, क्योंकि जब हम तेरे नाम को लेते हैं तो दुष्टात्माएं भागती हैं। उन्होंने कभी अनुभव नहीं पाया था कि इतने ऊंचे होकर वो शैतान की सारी शक्तियों पर राज्य करे। पहले तो शैतान उनके ऊपर में था, लेकिन अब वो बहुत ही आनंदित हो गए। उन्होंने कहा मेरे प्रभु हमने आपका नाम लिया और दुष्टात्माएं भागती हैं।
नया अनुभव है। बहुत से विश्वासियों को यह अनुभव पाना चाहिए। अब तक शैतान ने उन्हें काफी सताया है। बहुत से विश्वासियों ने इस तरह का अनुभव पाया है, ये दुष्टात्मा है, वो दुष्टात्मा है, और हर तरह की दुष्टात्मा है। उन्हें बहुत सी दुष्टात्माओं की बहुत सी समस्या है, और आपको तो शैतान के ऊपर सामर्थ का अनुभव करना है। मेरे दोस्तों, एक बार अगर आप शैतान के ऊपर अधिकार की सामर्थ का अगर आप स्वाद ले अनुभव कर ले, तो ये जो स्वाद है इसे आप और ज्यादा पाना चाहेंगे। आप इसे बार 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 करना चाहेंगे, क्योंकि ये तो विजय का मधुर स्वाद है। ठीक है, चलिए मत्ती अध्याय 28 में चलते हैं, और मैं वचन 18 से पढ़ना चाहता हूं। चलिए आगे चलते हैं। यीशु के पास सामर्थ थी, उसने इसे चेलों को दिया और फिर उसने 70 को दिया। अब इसे सुनिए आगे की बात। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यह तो पुनरुत्थान के बाद की बात है। यीशु के पुनरुत्थान के बाद में जब यीशु प्रकट हुआ, उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार। चलिए मैं पूछता हूं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, खैर देखिए भाई, फिर से एक बार, सारा अधिकार मुझे दिया गया उसने कहा है? उसने नहीं कहा यह तुम्हें दिया गया है, उसने कहा यह उसे दिया गया है। अब मैं आपसे पूछता हूं, लोग हमेशा यीशु को परमेश्वर के रूप में आगे रखना चाहते हैं, कहते ये उसे दिया गया है, वो परमेश्वर, उसके पास सारी सामर्थ है, मेरे पास सामर्थ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही छोटा सा बेचारा व्यक्ति हूं, उसके पास सारी सामर्थ है, मेरे पास नहीं, ये विश्वास करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं, क्यों परमेश्वर खड़े होकर यह कहेगा कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है? क्योंकि उसके पास ये पहले से ही है, कोई और उसे नहीं देता है। वही तो सारी सामर्थ देने वाला है, वो सब कुछ बनाने वाला है, वही तो सृष्टि करता है, वही तो सबको सामर्थ देता है। ठीक है, और उसके लिए ये कहना सही नहीं होगा कि सारी सामर्थ मुझे दी गई है। किसने परमेश्वर को सामर्थ दी है? क्या परमेश्वर से कोई बेहतर है? परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं है कि कोई उसे सामर्थ दे। परमेश्वर को सामर्थ पाने की जरूरत नहीं है, उसके पास सारी सामर्थ है, उसके पास सारी सामर्थ है, सब कुछ उसी का है। उसे जरूरत नहीं कि कोई उसे सामर्थ दे, उसे सामर्थ की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यीशु कहता है कि सारी सामर्थ मुझे दी गई है। इसका क्या मतलब है? मैं आपसे कहता हूं कि यीशु ये तो मनुष्य का प्रतिनिधि है, वो मनुष्य के जैसे कहता है, वो परमेश्वर के जैसे नहीं, वो परमेश्वर है लेकिन मनुष्य है, और अब वो मनुष्य के दृष्टिकोण से यहां पर बताता है। वो मनुष्य के रूप में मनुष्य के लिए आया, मनुष्य के लिए मनुष्य की जगह पर मरा, मनुष्य के बदले में वो मारा गया, और अब वो कहता है कि सारी सामर्थ मुझे दी गई है। अब आपको समझना होगा प्रतिनिधि मनुष्य के बारे में, क्योंकि मैंने इसे यहां पर दूसरे संदर्भ में कहा है। आदम ये प्रतिनिधि मनुष्य था, वो विशेष मनुष्य था। विशेष मनुष्य यानी ये नहीं कि वो हमसे अलग था, नहीं, एक तरह से आदम के बारे में ये तो बहुत ही विशेष बात थी, क्योंकि वो तो पहला मनुष्य था। पहला मनुष्य होने के नाते उसकी तो और भी अतिरिक्त जिम्मेदारी थी, क्योंकि पहला मनुष्य है वो तो प्रतिनिधि हो जाता है पूरी मनुष्य जाति का। इसलिए परमेश्वर ने जो भी कहा, जब उसने उससे कहा, ये केवल उसी के लिए नहीं लेकिन ये पूरी मनुष्य जाति के लिए था। जब परमेश्वर ने कहा फलवंत हो, बहुगुणित हो, इसे वश में कर लो, अधिकार रख लो, ये केवल आदम और उसकी पत्नी के लिए नहीं था, ये सभी के लिए था, सारी मनुष्य जाति के लिए था, और वो तो पूरी मनुष्य जाति के लिए प्रतिनिधि थे। जो शब्द उनसे कहे गए वो तो मनुष्य जाति के लिए कहे गए, केवल उन्हीं के लिए नहीं। ठीक है, और इसी तरह से जब यीशु ने एक बार पूछा कि क्या कहते हैं मनुष्य, क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं, चेलों से उसने पूछा कि मनुष्य क्या कहते हैं, यहां पर क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं, वो क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं, तो किसी ने कहा कि तू एलिया है, किसी ने कहा यिर्मयाह है, तो किसी ने कहा कोई भविष्यवक्ता है। सब गलत थे, कोई भी सही नहीं था। तो यीशु ने कहा कोई बात नहीं, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं, तुम मेरे साथ रहे हो, तुम मेरे चेले हो, तुम क्या कहते हो? और पत्रस ने जवाब दिया, तू तो मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। सही जवाब था। यीशु ने जवाब देते हुए कहा, शिमोन योना के पुत्र, लहू और मांस ने तुझ पर यह प्रकट नहीं किया, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता ने यह तुझ पर प्रकट किया है। ठीक है, फिर उसने कहा, मैं तुझसे कहता हूं, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देता हूं। लोग इसे लेकर कहते हैं, देखिए भाई, उसने पत्रस को यह दिया है, अब पत्रस के पास चाबी है, तो पत्रस से अभी अच्छे हो जाएं, उसे खास आदर देते हैं और कभी कभार उसकी देखभाल भी करते हैं, जानते हैं, उससे प्रार्थना करें और जो भी करें बस सावधान रहे कि उसे परेशान न करें, क्योंकि स्वर्ग में जाने पर सबसे पहले पत्रस फाटक पर मिलेगा,
आपको पत्रस से क्लियरेंस लेना पड़ेगा कि आप स्वर्ग के फाटक में से जाए, उसके पास में चाबी है। लेकिन यीशु ने यह नहीं कहा कि पत्रस मैं तुझे ये सारी चाबी देता हूं। यहां पर हर एक बात जो है उसके संदर्भ में हमें समझनी होगी। वो कहता है ठीक है, अब तुम समझे मैं कौन हूं। तुमने कहा मैं मसीहा हूं, परमेश्वर का पुत्र हूं, ये तो प्रकाशन है जो स्वर्ग के पिता से आया है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो आएंगे, तुम्हारे बाद में आएंगे और तुम तो उनके प्रतिनिधि हो। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आगे जाकर कलीसिया बनाएंगे, जो तुम्हारे पीछे आएंगे पूरे संसार से। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही कहेंगे, वो घोषित करेंगे कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि उनके पास भी प्रकाशन है। We're gonna sing about how great our God is. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. And out of the ashes we rise. There's no one like you. Stronger, God, you are higher than any other. I got a healer, awesome and power. I got is greater. I got is greater. I got is stronger. God, you are higher than any other. I got a healer, awesome and power. Praise in this place.